नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैंसी। भाई, हम सब की तरफ से, नेक्स्ट नाइन लाइफ की तरफ से शर्मिला टैगोर जी को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मैम। आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम कुछ ऐसे किस्सों को छेड़ेंगे। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जो हैं शर्मिला जी की लाइफ के बारे में आपको दिखाएंगे, और उन्होंने एक वक्त पे अमिताभ बच्चन को लेके कई खुलासे किए थे। आज हम इस रिपोर्ट में आपको ये भी दिखाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि आज शर्मिला मैम का जन्मदिन है, और ऐसे में जो है वो अब 79 ईयर्स की हो चुकी हैं, मगर उनकी खूबसूरती के चर्चे आज भी उतने ही बरकरार हैं जितने जब वो जवान हुआ करती थी तब हैं। उनकी खूबसूरती, उनकी मासूमियत अक्सर उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में लाइमलाइट बटोरती हुई जो है लेके गई है, और आज भी वो उतनी ही खूबसूरत, बोल्ड और बेहद ही शानदार एक्ट्रेस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, जहां पर आप हमारी इस रिपोर्ट में देखेंगे शर्मिला टैगोर के कुछ खूबसूरत किस्सों के बारे में। भाई, बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा और बॉलीवुड इंडस्ट्री में 70 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं शर्मिला टैगोर। उनकी फैन फॉलोइंग आज भी है। उन्हें इंडस्ट्री की ट्रेंड सेटर एक्ट्रेस भी माना जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि भले ही आज वो फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं, वो बेहद ही कम प्रोजेक्ट्स में नजर आती हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वो नेशनल क्रश थी। उन्होंने राजेश खन्ना से लेकर धर्मेंद्र संग कई फिल्मों में काम किया है। शर्मिला ने अपनी बहू करीना कपूर खान के चैट शो में शिकायत भी की थी। इस दौरान उन्होंने अपने दौर के वर्किंग पैटर्न और एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए बताया था। भाई, उन्होंने इस चैट शो के दौरान अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को लेकर भी तमाम खुलासे किए थे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री मेल सेंट्रिक थी। उस समय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के अलावा कोई और स्टार समय पर आता ही नहीं था। उन्होंने बताया कि अगर आप सजेस्ट भी करो कि क्या आप इस टाइम पर आ सकते हैं, तो भी वो 2 से 3 घंटे लेट आते थे। हम लोग मेकअप करके तैयार रहते थे और फिर शूटिंग शुरू होती थी। शर्मिला की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में अनुपमा, आराधना, अमर प्रेम, आ गले लग जा, मौसम, अनारी, मन धड़कन, दूरी और समंदर जैसी कई फिल्मों में काम भी किया है। और कहा तो ये भी जाता है कि भाई शर्मिला जब फिल्मों में आती थी तब उनको देखने के लिए फैंस का जमावड़ा लग जाता था। उन्होंने करियर के दौरान कई सारे अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। उन्हें आराधना के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और मौसम फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से आज शर्मिला टैगोर का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के खास मौके पर इन बातों को बताना बहुत ही जरूरी था। तो ऐसे में भाई शर्मिला टैगोर जहां पर देखा गया है कि एक कूल सास भी है। जी हाँ, शर्मिला टैगोर करीना कपूर की सास है, और जब उनके चैट शो में वो पहुंची थी तब देखा गया था कि कहीं ना कहीं करीना कपूर जो है काफ़ी ज़्यादा ही खुश भी दिखाई दी थी। करीना कपूर जिस तरह से उन्होंने सैफ अली खान से शादी की, तो वही अगर उनके घर की बात की जाए तो उनका घर भी काफ़ी ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों से घिरा हुआ है। कपूर खानदान की लाडली जब खान्स में गई तो वहाँ पर भी हर एक इंसान सितारों से भरा हुआ था। कहा तो ये भी जाता है कि भाई शर्मिला टैगोर कहीं ना कहीं उस वक्त की ऐसी खूबसूरत अदाकाराओं में से एक है जिन्होंने सबसे पहले स्विम सूट को पहना था। बताया जाता है कि भाई शर्मिला टैगोर को देखने के लिए फैंस का जमावड़ा लगा रहता था। अब इतनी उम्र भले ही शर्मिला की हो गई हो, मगर शर्मिला टैगोर आज भी कहा जाता है कि जब भी पेपराजी के सामने आती हैं तब मीडिया
और हर एक फैंस उनको देखना चाहते हैं। बढ़ती उम्र के साथ खूबसूरती ढल जरूर जाती है, मगर जब उन्हें करीना के शो में देखा गया था तब यकीनन ही वो बेहद ही खूबसूरत अंदाज में दिखाई दे रही थी। तो देखा आपने यहाँ पर शर्मिला टैगोर की लाइफ के कुछ खूबसूरत किस्सों से हमने यहाँ पर आपको रूबरू करवाया। एक वक्त ऐसा था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने फिल्मों में जब कदम रखा था तो उन्होंने साफ तौर पर एक चीज कही थी कि तब उस वक्त मैन डोमिनेटिंग इंडस्ट्री थी, यानी कि सिर्फ मेल एक्टर्स को पूछा जाता था और एक्ट्रेसेस की बारी ही नहीं आती थी, सिर्फ मेल एक्टर्स को ही पूछा जाता था। मगर उस दौरान शर्मिला जी ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया, एक ऐसा उनका ओहदा हो गया जिससे बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम लोग उनको जो है फिल्मों में लेना शुरू हो गए थे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि भाई शर्मिला टैगोर जो है इंडस्ट्री की पहली ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने स्विम सूट को कैरी किया था। उस जमाने की बात हम कर रहे हैं जहां पर बेहद ही बोल्ड और खूबसूरत अंदाज में उन्होंने स्विम सूट को कैरी किया था और हर किसी की निगाहें उन्हीं पर ही थी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शर्मिला जी ने इस इंडस्ट्री में खूब मेहनत की है, एक जो है अरसा उन्होंने इस इंडस्ट्री को दे दिया है और ऐसे में शर्मिला जी आज जो है इंडस्ट्री में जितना उनको प्यार, जितना उनके फैंस उनकी इज्जत करते हैं वो यकीनन ही जो है इन सब की हकदार भी है। तो उम्मीद करते हैं हम कि आज अगर आप भी उन्हें जन्मदिन पर बधाई देना चाहते हैं, विश करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप मुझे दे दीजिएगा इजाजत, मैं चली, बाय बाय।